नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में जल निगम की चल रही हड़ताल के चलते आम जनता की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। अपनी मांगों को सरलार से मंगवाने के लिए कर्मचारियों ने आम जनता के घरों में सप्लाई होने वाले पानी की जगह जगह बने चेक वॉल को भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से घरों में आने वाला पानी सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गया। पानी न आने के चलते आम जनता की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जिसके बाद गोविंद नगर के पार्षद नवीन पंडित ने आम जनता की समस्या को देखते हुए पराग पुलिस चौकी के पास बने जल निगम के चेक वॉल पॉइंट पर पहुंचे और जमकर कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद चेक वॉल पर लगे ताले को तोड़कर मिस्त्री के माध्यम से पानी सप्लाई के बंद किए गए वॉल को खुलवा दिया, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी सप्लाई भी कुछ इलाकों में शुरू हो गया। पार्षद नवीन पंडित ने बताया कि जल निगम के अधिकारी और कर्मचारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पानी सप्लाई को 6 दिनों से बंद कर रखा है। पानी न आने से आम जनता सरकार से नाराज थे, जिसकी वजह से जनता की सुविधा के लिए उन्होंने ताला तोड़ा है। वहीं पार्षद ने कहा कि इस मामले की शिकायत वो कानपुर मंडलायुक्त से भी करेंगे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। देखिए, हमारे 5-6 दिनों से गोभी नगर, बर्रा, जूही, परमपुरवा आदि इलाकों में पानी नहीं आ रहा था, गंदा पानी आ रहा था। तो मैंने जल निगम के जल संस्थान के अधिकारियों से कहा कि भैया पानी गंदा आ रहा, पानी सप्लाई नहीं आ रहा, आधा घंटा पानी बदबूदार आ रहा है। तो उन लोगों ने हमें दबी जुबान से बताया कि दीप टागी चौराहे के पास जहाँ पुलिस चौकी बनी हुई है, उसके बगल में हमारा चैनल बना हुआ है और वहाँ पर चैनल में जल निगम वालों ने वहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, बाल को ब्लॉक करके और ऊपर चैनल पे ताला लगा दिया है, जिस कारण आप लोगों को सप्लाई नहीं मिल पा रही। हमने आखिर उनका कारण क्या है, बोले वो जान के हम लोगों को परेशान करना चाहते हैं, जिस बात पर आज हम लोग यहाँ पर प्रातः आए हैं। और आकर हम लोगों ने बाल को, पहले तो हम लोगों ने चैनल का ताला तोड़ा है और चैनल का ताला तोड़ने के बाद हम लोगों ने बाल को खोल दिया है, जिससे जनता को पानी मिलने लग जाए। अब मैं इसकी शिकायत कमिश्नर महोदय से करने जा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए चुनाव के समय में इस प्रकार से जल निगम के लोग साजिश कर रहे हैं। क्योंकि जल निगम के साजिश के कारण, मतलब जल निगम को क्या मतलब बनता है, जो गंगा बैराज का पानी आ रहा है उसमें आप लोग बाल को बंद करके ताला लगा दिया, आखिर क्या कारण है। इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा और मैं मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन भेजूंगा कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जल निगम के अधिकारी लोग 5-5 दिन 6-6 दिन सप्लाई रोक देते हैं, जिससे जनता में त्राहिमान बने, जनता में आक्रोश पैदा हो और जनता सरकार का विरोध करे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे और मैं निश्चित रूप से सभी चैनल के सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने ताला तोड़ा है और मैंने चैनल का ताला तोड़ा है और मैंने बाल को खोल दिया है। अगर कार्रवाई मेरे पर करनी है तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई।